दोस्तों, मैं उस दिन आप लोगों को बोल रही थी ना कि मैं डेजर्ट बना रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मैं भूल गई। अब उस दिन मैंने बनाया था, मैंने इसे तो ये किया था, लेकिन देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ। गर्मी भी बहुत है और इस गर्मी में ये डेजर्ट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखो, मैंने ये नारियल का दूध है, ये नारियल का दूध है दोस्तों, और इसमें मैंने चिया सीड मिला के रखा है। देखिए, चिया सीड फूल गया है, मतलब कि इसका सोख करके रखा है मैंने, तो मैंने काट के महीन महीन रखा है। थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम है और ये कोकोनट मिल्क है और ये पेन केक वाला सिरप है, मेपल सिरप इसको बोलते हैं। और दोस्तों, ये मैं डेजर्ट के लिए ये निकाल के मैं रखी हूँ। देखिए मैंने इसको कैसे बनाती हूँ, आप लोग देखो। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये सोक करके रखना है, और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है ना दोस्तों की मत करिए। थोड़ा बड़ा वाला चम्मच लेती हूँ मैं, थोड़ा बड़ा वाला चम्मच से, ये देखिए, बड़ा वाला चम्मच से इतना डालूंगी सब में डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, ज़्यादा है तो थोड़ा मैं सारे में थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दे रही हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा मम्मी को बना के दे देती हूँ, फिर उसी में डाल दूंगी। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं ये वाला चीज़ डाल दूंगी, ये पेन केक पर भी जाता है, तो इसको हम लोग मेपल सिरप कहते हैं, हम लोग चीनी नहीं यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे करके, आप मेपल सिरप नहीं यूज कर सकते हैं तो शहद हनी भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके डाला इसमें, और ये जाएगी ऐसे, मैंगो पल्प डालूंगी सब में, दो दो चम्मच में डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं कोकोनट मिल्क और डालूंगी, हल्का हल्का, ये देखिए कोकोनट मिल्क डाला, और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डालूंगी। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा क्रीम डालूंगी दोस्तों, ये खाते वक्त अपने ही भूल जाएगी। हल्का सा मेपल सिरप और जाएगा गार्निश के लिए, नहीं अभी गार्निश एक और चीज से करूंगी। देखिए, हल्का सा जाएगा मैंगो का मिठास के साथ, ये और मीठी लगेगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको डाल दिया। अब मैं एक असला मैजिक है, आइसक्रीम है, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें आइसक्रीम भी डालूंगी, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ ये एक आइटम है, इतनी अच्छी लगती है दोस्तों कि मैं आपको क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने में, जल्दी बन भी जाता है। थोड़ी देर हम लोग इसको भी फ्रीजर में रखूंगी, एक स्कूप उठाना है मेरे को, आइसक्रीम निकालने वाला एक स्क्रूप लेके आऊंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने सब में डाल दिया, क्योंकि ये खुद मीठी होती है। अब आप चाहें तो इसमें दोस्तों ये डाल सकते हैं, काजू पिस्ता बादाम ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ काजू पिस्ता बादाम गार्निश इन लोगों को पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा मेपल, एक बूंद, बस थोड़ा सा, ये देखिए, बस ये ऐसे ही गार्निश करूंगी हल्का सा। नीचे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिख रही है, देखिए देखिए, और ऊपर की नजारा देखिए दोस्तों, इसका ऐसे ही एक बार फोटो लिया। तो मैं इसे फ्रिज में रख दी और 10-15 मिनट के बाद मैं इसे निकालूंगी, हम लोग खाना वाना खाते हैं तब, उसके बाद ये डेजर्ट हम लोग खाएंगे।
और बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। आप लोग बना के खाइए, इसमें कोई भी मेहनत नहीं है और इतना अच्छा लगता है ये खाने में ना कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे दोस्तों। और अगर आप लोगों के आज की वीडियो दोस्तों, तो आप लोग जरूर मेरा वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेरी 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 थैंक्सफुल दोस्तों कि मेरा 1000 मेरा सब्सक्राइबर हो गया आप लोगों की दुआ से, और मैं अब बहुत ही खुश हूँ। और मेरा टाइमिंग भी थोड़ा सा बच गया है, तो टाइमिंग भी जब पूरा होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। और मेरे साथ देने के लिए आप लोगों को वेरी वेरी थैंक्स, और आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, और बाय बाय दोस्तों।